गुजरात का अहमदाबाद गणेश उत्सव के लिए तैयार है। खास बात है कि बाजारों में इस बार पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियों पर ज्यादा जोर है। अकबर नगर के पास बाजार में खरीदारों की पहली पसंद भगवान गणेश की मिट्टी से बनी मूर्तियां हैं। मैं इको फ्रेंडली मूर्तियां लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में है ना, पूजा के बाद में जो हम विसर्जन करते हैं तो फिर वो हम लोग पहले नदी में जाते थे, लेकिन अभी तो सब लोग इको फ्रेंडली हो गए हैं, तो क्या है कि घर पे ही हम लोग ये विसर्जन कर देते हैं और फिर वो जो मिट्टी वगैरह होती है वो सब हम गमले में डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि वो भी नहीं होता, वो प्रदूषण की वजह से भी ये बेटर रहता है, इसलिए हम लोग ये करते हैं। तो आज मैं फर्स्ट टाइम अपने कलीग्स के साथ यहाँ पे गणपति जी लेने आई हूँ, तो बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं गणपति जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मिट्टी के, बेसिकली इनमें बात ये है कि ये सारे मिट्टी के हैं, तो ये इको फ्रेंडली है, इजिली ये इनका विसर्जन हो जाता है, जिससे हमारे एनवायरमेंट को भी कोई हार्म नहीं होगा, तो ये सबसे बेस्ट चीज है। दुकानदारों का कहना है कि खरीदारों में पर्यावरण के अनुकूल सामानों से बनी मूर्तियों के साथ अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर बनी मूर्तियों की भी ज्यादा मांग है। गणेश चतुर्थी में स्पेशल ऐसा है कि अभी जो नए राम मंदिर जो बना है ना, उसकी वैरायटी हम इस बार लेके आए हैं। ये मंदिर जो मूर्ति है ना राम मंदिर वाली, वो मूर्ति अभी स्थापित की है, बाजार में कुछ नया लेके आए है, उसके कारण थोड़ी ग्राहकी अच्छी रहती है और तेजी थोड़ी आने वाली है बारिश के कारण। इको फ्रेंडली, टोटली इको फ्रेंडली आएगी। बड़ी मूर्तियां है ना अपने पास, ये गुरु कृपा बड़ा स्टॉल है ना, वहाँ रखते हैं बड़ी मूर्तियां, 10 फुट तक मूर्ति रखते हैं। अहमदाबाद गणेश चतुर्थी के साथ 10 दिन चलने वाले भव्य गणेश उत्सव के लिए तैयार है। इस साल लोगों का रुझान बायोडिग्रेडेबल सामानों और मिट्टी की मूर्तियों की ओर है, ये उनमें पर्यावरण के लिए बढ़ती जागरूकता का प्रतीक है।